हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हाउ एयरफोन्स आर मेड। मीवी, अब मुझे नहीं पता MIVI है, मीवी इंडिया फैक्ट्री टूर। अब पता नहीं मैं प्रोनाउंस उसको ठीक कर रही हूँ कि नहीं, वो तो वीडियो देख के पता चलेगा, पर डेफिनेटली टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ईयरफोन्स कैसे बनते हैं, तो बड़ा ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है मॉमजिला और ट्विटर, इन दोनों को आप प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना, उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। काफी सारी मार्केट आप लोग दिखा रखी है, बट ये वाली एक बहुत ही स्पेशल फैक्ट्री है जो वेरी फ्रेश फ्रेश इंडिया में बनी हुई है। फ्रेश फ्रेश बनी है। अरे ये तो खुला ही हुआ था पहले से, हमने थोड़ा बिल्कुल टच ही नहीं करा। मीवी जिनके हमें काफी एक्साइटिंग डब्बे खोल रखे हैं, डराया जा रहा है हमको। बेसिकली एक बड़ा डब्बा था, उन्होंने अपनी इंडिया में फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी। मीवी इंडिया की पहली कंपनी है जिन्होंने पूरी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी है, इंडिया में प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं, सारे बना रहे हैं और वही आप लोगों को दिखाएंगे। एक स्पीकर और एक हेडफोन अनबॉक्सिंग इस वाली वीडियो के लिए रहने, इसमें थोड़ी बॉक्सिंग करें। ये वाला जो मीवी का कॉलर 2 है, हम इसको स्क्रैच से बनाएंगे, सारे पार्ट्स असेंबल करेंगे। मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं। और स्पीकर भी दिखने में काफी बड़ा सा लगता है, बट इसके अंदर बहुत ही सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको हम अपने कोमल कोमल हाथों से एक साथ जोड़ के जादू कर जब भी हम एक ईयरफोन की बात करते हैं हमको लगता है बहुत ज्यादा सिंपल है, बस कान लगा के गाना बजा देते हैं, बट एक ईयरफोन को बनाने के लिए बहुत ही लंबी मैन्युफैक्चरिंग लाइन की जरूरत होती है। ये मैं भी रियलाइज करूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। अब आ गए पहली वाली मशीन के ऊपर, इस पे बड़ा सा इंजेक्शन लगा हुआ है, हमको देख के थोड़ा डर लग रहा है, बट ये वाला इंजेक्शन देखते हैं किसको लग जाएगा। ये जो इंजेक्शन जैसा लग रहा है, इसके अंदर एक्चुअली एक चिपकाने वाला सामान है जो दिल से दिल चिपका रहा है। इनको बनाते हुए देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, वो सही लग रहा है भाई। ड्राइवर को चिपका देता हूँ प्लास्टिक के, उससे ज्यादा बढ़िया सा अपना हेडफोन तैयार हो जाता है। इस वाले प्रोसेस में मैग्नीफाई करके देखा जा रहा है, ये जो रेड वाला कंपाउंड है ना, ये चिपकाने के लिए यूज होता है। और फील चेक करते हैं कि भाई सही से हुआ है कि नहीं हुआ। मशीन से भी काफी सारी चीजें बनती, काफी सारी हाथ से बनती, और ये मोस्टली फीमेल्स ही है जो यहाँ पे काम कर रही है। होता क्या है कि ये एक एक करके ना प्रोडक्ट निकालते जाते हैं, और ये जो ग्रीन कलर की पट्टी सी लग रही है ना, इसके ऊपर ये सेंड करते रहते हैं, तो आगे आगे पास होता रहता है। अभी ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग लाइन वाला सेटअप है, ये इंडिया में पहली बार हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट तारों को जोड़ा जा रहा है, और ये एक एक करके जो वायर्स हैं उनमें कनेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद सोल्डरिंग होती है और आगे के पार्ट्स एक दूसरे में जोड़े जाते हैं, दिल से दिल मिलाए जाते हैं। ये वाली जो चीज है, ये फ्यूम्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि कुछ भी हल्का फुल्का भी कोई पार्टिकल उड़ा के जाए तो इसमें डायरेक्ट आ जाए। ये बैटरी है जो जोड़ी जा रही है ईयरफोन्स में। यहाँ पे जूम करके देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे, क्योंकि हमारी आंखें इतनी तेज है नहीं। ये सोल्डरिंग कर रहे हैं फंक्शन बटन्स के लिए, और फंक्शन बटन्स बाद में अटैच होंगे। और ये वाले जो बटन्स है ना, काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि ये वाला प्लास्टिक अलग है, ये वाला प्लास्टिक एक रबराइज प्लास्टिक है, और यहाँ पे कोई गैप नहीं है। और इसको करने के लिए काफी ज्यादा एक्सपर्टीज होते हैं, काफी ज्यादा चीजें होती है, और ये मेरे को नहीं पता, बट अब मैं देख रहा हूँ असेंबली लाइन में कितनी मेहनत करी जा रही है बटनों को असेंबल कर, तब मेरे को रियलाइज हो रहा है। यहाँ पे नहीं बुझाते हम, जब तक खुद ना बनाए तब तक क्या मजा है। हमने सोचा बैठ जाते हैं, बढ़िया ईयरफोन बनाए जाएंगे, गाने सुने जाएंगे, ये वाला हमको पहनना रहता, इससे बिजली के देवता हमसे दूर रहते हैं। इसपे ना चेक करते हैं कोई डिफेक्ट इफेक्ट तो नहीं आ रहा, काफी ना हाई प्रिसीजन से बनाते हैं, कोई मेरे को तो डिफेक्ट देखने के लिए मिल नहीं पा रहा। डिफेक्ट बस मेरे को अपनी उंगली के नाखून में दिख रहा है। यूजुअली जितना भी ये सारा कॉन्टेंट होता है ना, ये हम आप लोगों को दिखा नहीं पाते क्योंकि ये सारा क्लासिफाइड रहता है, बट हमने काफी जुगाड़ से आप लोगों को बढ़िया बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग की चीजें दिखाने। कितने स्टेप के बाद हमको रियलाइज होता है कि एक एक्चुअल ईयरफोन जैसे अब दिखने लगा है। बैटरी जुड़ गई है, चिप जुड़ गई है, ये पीछे टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे हैं। एक बार में दो डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है, मोबाइल लैपटॉप में एक साथ चेकिंग कर सकते हैं, वो ये पीछे भी कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम हाथ बटा रहे हैं, एक स्पेशल ईयरफोन आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। क्या कर रहे हो भाई, बाहर
ये हमने एक तरफ बैटरी अटैच कर दी और दूसरी तरफ हमने चिप लगा दी, दोनों को मिल के ईयरफोन बनाया जाएगा। इस वाले स्टेप में ग्लू लगाई जाती है और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यूवी रेस को यूज करके इनको सुखाया जाता है। सब्र का वर वेरी वेरी मीठा होता है, थोड़ा थोड़ा असेंबल होता हुआ दिख रहा है हमको, बट इसको चिपकाने से पहले काफी इंपॉर्टेंट स्टेप करते हैं और ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टेप है। यहाँ पे EQ चेक कर जा रहा है। बेसिकली EQ जिन लोगों को नहीं पता, काफी सारे हेडफोन ऐसे होते हैं जिनमें ढोलक की आवाज बहुत बढ़िया आ रही है और काफी सारे ऐसे जिसमें शहनाइयां बजाई जा रहे हैं, मतलब तो वो सारी ट्यूनिंग यहीं पे करी जाती है। इन वाली ईयरफोन में ढोलक वाली में ज्यादा दम दिया गया, काफी पावरफुल बेस आपको देखने मिलता है। पूरी जितनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है इसमें प्रोडक्ट के आउटर पार्ट्स को पेस्ट कर रहे हैं, कभी भी ये ग्लू का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं चिपकाने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज है। ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कर रहे हैं और ये हम कभी नोटिस भी नहीं करते कि भाई कैसे चिपक रखा है प्लास्टिक, क्या हो रखा है, बट जब देखने के लिए अब मेरा बहुत ही ज्यादा प्रेम बढ़ रहा है ईयरफोन के साथ, मैं क्या प्यार से रखूंगा। चार्जिंग स्टेशन इतना बड़ा मैंने कहीं नहीं देखा। इन वाले हेडफोन्स में फास्ट चार्जिंग है, वैसे काफी जल्दी चार्ज आते हैं, 10 मिनट में 10 घंटे का चार्ज आपको देखने के लिए मिल जाता है और टोटल जो इनकी लेंथ है ये 17 घंटे तक चल जाता है। और इनको ये सबको 100% चार्ज करके देते हैं और चार्ज करने का तरीका भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये वाला स्पीकर पूरा एक एल्यूमिनियम के ब्लॉक से बना हुआ है और 1000 रुपए में ऐसा करना वैसे बहुत बड़ी बात है और इंडिया में ये सारी चीजें हो पा रही हो और भी तगड़ी बात है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये सारी मशीनें यूज करते हैं ना, उसकी वजह से सील काफी अच्छा रहता है। होता क्या है कि ये लोग बोर जाते हैं, इनको मशीनों से होली खेलना पसंद है। बेसिकली डस्ट प्रूफ करने के लिए और वाटर प्रूफ करने के लिए एक लेयर चढ़ाई जाती है, वो अभी चढ़ते हुए देखेंगे। हाँ, दोनों ही IPX7 रेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये सेम स्पीकर है जो हमारे पास है, हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट था, काफी मजेदार सा, बढ़िया हाई क्वालिटी और ये एक्चुअली 5 वॉट का स्पीकर है और इसकी प्रोडक्ट डिजाइन भी काफी हद तक इंडिया के हिसाब से करी गई है। जैसे जो बटन्स हैं, जो ग्रिल है, सारी ऐसे बना रखी है कि धूल वूल छू भी उड़ रही है, सारी कुछ ना घुस पाए स्पीकर के अंदर। दोस्तों जादू हम बचपन से सीख के हैं, विंगार्डियम लेविओसा। ओ बन रहा है, इन सबको साथ में रहने की आदत है और आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं, दो को आप एक साथ कनेक्ट करके स्टीरियो इफेक्ट में मस्त आवाज भी सुन सकते हो। नो, वी हैव बीन थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द फैक्ट्री फॉर पास्ट कपल ऑफ इयर्स, बट यू नो ड्यू टू कोविड एंड ऑल थिंग्स गॉट डिलेड, बट वी आर वेरी हैप्पी दैट यू नो वी आर अप एंड रनिंग एंड द फैक्ट्री इज रनिंग सक्सेसफुली। वी लॉन्च्ड आवर ब्लूटूथ स्पीकर, फर्स्ट मेड इन इंडिया ब्लूटूथ स्पीकर, एंड वी लॉन्च्ड इट इन डिसेंबर एंड इट्स बिकम अ ह्यूज सक्सेस। इट बिकम Amazon's number one bestseller within a couple of days. And this month we are launching Caller 2, which is our neckband Bluetooth earphone. It is also the first Bluetooth earphone, neckband earphone that is being made in India. And we are the first ones to do it. We are very proud and we are happy that, you know, the customers are supporting Indian brands like us. And everything looks good. Very high testing with Vishwas Rakhne. आज प्यार से रखने के थोड़ा असली फाइनल टेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं। हमारे टेस्ट में पास हो चुका। जब भी हम एक ईयरफोन के बारे में बात करते हैं हम एक नॉर्मल से प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, बट जब हम बिहाइंड द सीन जाते हैं देखते हैं कि कितनी मेहनत करी जाती है प्रोडक्ट के ऊपर, कितनी सारी छोटी छोटी चीजों को करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तब इतनी अच्छी सी फीलिंग आती है। और खाली एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की बात नहीं है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में कम्पीट करे और उनसे बेटर भी हो काफी एस्पेक्ट्स में, और उसको इंडिया में बनाना एक काफी बड़ी बात है और मैं भी बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होगी मैं भी इस एक प्रोसेस का पार्ट बन पाया। ये वाली ईयरफोन्स को हम बॉक्स कर देंगे। मैं प्रो नहीं हूं, ये अभी तक पता चल गया होगा। जिस प्रिसीजन के साथ हम अनबॉक्सिंग करते हैं उसी प्रिसीजन से हमने इसको बॉक्स भी करा, हल्का सा रफ है बट कभी कभार रफ चीजें भी दिल को छू जाती है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक से अगर आप ये रोम 2 या फिर ये कॉलर 2 खरीदते हैं आपको इंडिया का बना और बॉक्स बाय टेक बर्नर देखने के लिए मिल जाएगा। एक और छोटी सी चीज, मीवी की साइट वाइड प्राउडली लोकल सेल चालू हो रही है और इस पे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो आपको अच्छे डिस्काउंट देखने के लिए। हमने एक स्पीकर गायब कर लिया था बीच में, वो स्टूडियो में लाए इसको लो चला के गिफ्ट मिला होगा। हेडफोन्स के बाद भी आगे कैसा लग रहा था? मस्त है, मस्त है, बेस बहुत।
तो होपफुली आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो। ये वाले प्रोडक्ट्स आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, अपने प्राइस पॉइंट में डेफिनेटली काफी तगड़े कंटेंडर्स हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत अच्छा लगा, मेनली इसलिए कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट था। मुझे लगा था कोई बाहर से कंपनी आई है और उन्होंने अपनी फर्स्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो वहां खोली हुई है, पर जब बाद में पता चला कि मेड इन इंडिया उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया और वो इंडिया में बना रहे हैं और उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया और कह रहे हैं कि हमने अभी शुरू किया है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। जैसे ही उन्होंने उसको बेचने के लगाया अमेजोन में सबसे बेस्ट सेलिंग था, तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं कहूंगी ये सब क्रेडिट जाता है आज की गवर्नमेंट को जो मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है और उस वजह से हर इंडियन के दिल में भी वो बस गया है कि हमने अपना मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया ही लेना है और जैसे ही ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनकी चीजें ले रहे हैं और उनको पूरा अपनी तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं कि आप ऐसे और बनाओ और हम आपकी हेल्प करेंगे, अगर उसमें कोई कमियां हैं तो हम आपको बताएंगे और आप उनको इम्प्रूव करो। और ये के और ऐसे लग रहा है कि ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी लग रही है और जैसे वही दिखा रहे थे कि कैसे बनती है, ऑब्वियसली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बनाना, इतने छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट्स उसमें लगाने हैं, हर प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए और जैसे वो दिखा रहे थे कि इतने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और इतना मुश्किल होता है खुद देखना कि उन्होंने साथ में स्क्रीन रखा हुआ है जो उसको इनलार्ज करके आपको दिखाएगा और फिर आप उसकी तरफ देख के जो जो आपके काम करना है आपको वो आप कर सकते हो वहां स्क्रीन पे देखकर। तो इससे पता चलता है कि जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है जो इस काम के लिए, ऐसे नहीं कि कोई भी कर सकता है। जैसे इनका देखा था कि ये ट्राई तो कर रहे थे पर इन्होंने काम वो चूज किया था जो इजी था कि सेल लगा दिया, वो तो मजाक कर रहे थे, पर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया अवेयरनेस लाने के लिए कि कैसे बनता है और खास कर कि ये मेड इन इंडिया है तो उसको एक प्रमोट भी किया उन्होंने कि ये आया है लॉन्च और दो चीजें उन्होंने की हैं। स्पीकर है, स्पीकर बहुत ही अच्छा लग रहा था जैसे उन्होंने सुनाने की कोशिश की है तो उसकी वॉइस तो बहुत अच्छी लगी है इस वीडियो में, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि और कंपनीज भी आ रही हैं धीरे धीरे जो अब इंकरेज होके ये स्टेप्स ले रही है और अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो होपफुली ऐसी और वीडियोस और गुड न्यूज हमें सुनने को मिलेंगी कि ऐसे और भी आ रहे हैं और अमेज़न में जो है बेस्ट सेलिंग बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।